जानते हैं मूषक जी, जन्मदिन का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इस दिन माँ के भोजन में विशेष प्रेम छलकता है। मैं ये जानने के लिए व्याकुल हूँ कि माँ आज क्या पका रही हैं, पर उन्होंने तो मुझे भीतर प्रवेश करने से ही मना किया हुआ है। आपकी इच्छा पूरी ना हो तो आपके इस भक्त के होने का लाभ ही क्या प्रभु, मैं बस अभी गया और अभी आया। गणेश अवश्य ही ये स्वादिष्ट भोजन खाने को आतुर हो रहा होगा। सुगंध तो बहुत लुभावनी है। देखना पड़ेगा कि क्या बना है और कैसा बना है। मूषक, अभी यहाँ तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। चलो बाहर चलो। ये मूषक जी अभी तक आए क्यों नहीं, कहाँ रह गए? गणेश जी भ्राता, तुम्हारा गुप्तचर तो पकड़ा गया। माँ ने तुम्हारे भोजन के लिए क्या क्या तैयारी की है ये सब समय से पहले जानने में आनंद ही क्या है। और वैसे भी धैर्य तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक सभी अतिथि नहीं आ जाते उत्सव आरंभ नहीं होगा। वो तो मैं जानता हूँ भ्राता, पर स्वयं पर नियंत्रण कैसे रखूं? माँ को इतनी तैयारियां करते देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया है और उस कारण और भी तीव्र भूख लग रही है। प्रभु, अंदर से बहुत ही स्वादिष्ट सुगंध आ रही थी, मैं स्वयं को रोक ही नहीं पा रहा था। तुम्हारा जन्मदिन केवल कैलाश पर्वत पे ही नहीं, पृथ्वी लोक के कोने कोने में मनाया जाएगा। गणेश, जब तक यहाँ की तैयारियां पूर्ण नहीं हो जाती तुम वहाँ का भ्रमण क्यों नहीं कराते? अरे वाह, ये तो बहुत उत्तम सुझाव है पिताश्री। चलिए मूषक जी। जी प्रभु। पंडाल भी बन गया और मंच भी सज गया, अब बस पूजा सामग्री की आवश्यकता है। करो अभी प्रबंध करता हूं गुरुदेव। कितनी शुभतापूर्ण आरंभ हो रहा है हमारे इस नए जीवन का। प्रभु गणेश की पूजा से अब हमारे जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। न जाने क्यों आज ये हाथ सधी नहीं रहा, कभी कान ठीक से नहीं लग रहा तो कभी सूंड ठीक से नहीं बैठ रही। हे गणपति, सहायता कीजिए। यदि मन में विचारों का प्रवाह इतनी तीव्र तो हाथ कैसे सधेगा धीरा? ईश्वर को साकार करने के लिए स्थिर चित्त की आवश्यकता होती है। मेरा मन ये सोचकर विचलित है गुरुदेव, घर में इतनी बड़ी पूजा है फिर भी कद्रू दीदी और उनकी संतानें इसमें सम्मिलित नहीं हो रही है। जो हमारे नियंत्रण में नहीं होता उसकी चिंता करने से कभी कोई लाभ नहीं होता दीदी। हमें केवल अपना कर्म करना होता। आप पूरी श्रद्धा से इस पूजा कथा को प्रारंभ कीजिए। गणाधिपति की यदि इच्छा हुई तो तुम्हारी बहन कद्रू को उनका आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। जैसे तुमने मेरी भक्त देवी बिंता के साथ छल करके उन्हें अपनी दासी बनाया था, वैसे ही मैंने भी लीला करके
इन्हें मुक्त करवाया। तुम और तुम्हारे पुत्र अमृत की एक बूंद तो क्या उसकी आभा के भी योग्य नहीं। आज नहीं तो कल अपने कर्मों का परिणाम भोगना ही पड़ता। आज से गरुड़ जैसे मांसाहारी पक्षियों के लिए नाग भी स्वाभाविक आहार होगा। महारानी, आपके मस्तक की पीड़ा के लिए औषधि का लेप। कैसा लेप बनाया तूने? इतना अधिक खून डाल दिया कि मेरे नेत्र जलने लग गए। और किस तीव्र गति से तू दबा रही थी? मेरा मस्तिष्क फट गया। कल्पिता को देखा है? दबाते ही सारी पीड़ा दूर हो जाती थी और तू है कि? क्षमा कीजिएगा महारानी, पर मैं महारानी विंता नहीं। मैं चाहूं तो भी उनके जैसी नहीं बन सकती। आप समझ आया? तूने एक दासी नहीं अपनी बहन को खोया है। कितनी बार तुझे समझाया, जो तू कर रही है वो अनुचित है कद्रु, किंतु फिर भी तूने मेरी एक बार भी नहीं सुनी। तूने वही किया जो तेरे मन ने कहा, किंतु कद्रु अभी भी देर नहीं हुई है। फिंता से क्षमा मांग ली और अपनी बीच की दूरियों को सदा सदा के लिए समाप्त कर दे। भगवान गणेश की पूजा तुम दोनों के जीवन में नया अध्याय लेकर आएगी। यदि तू अपने पश्चाताप के जाल में नहीं फंसना चाहती है तो उठ और क्षमा मांग फिंता से। उठ कद्रु, तुम्हें क्या लगता है मैंने जो कुछ भी किया उसके बाद वो मुझे क्षमा करेगी? ये ध्वनि कैसी है? लंबोदर भगवान गणाधिपति गणेश की जय। प्रभु गणेश की जय। लंबोदर भगवान गणाधिपति गणेश की जय। लंबोदर भगवान गणाधिपति गणेश की संकट है जब कोई आयो महिमा से अपनी प्रभु ने बचायो। लंबोदर 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 भी विघ्न हरता बुद्धि विधाता जय जय गजानन हे सिद्धिदाता। लंबोदर लंबोदर विघ्न हरता बुद्धि विधाता जय जय गजानन हे सिद्धिदाता। लंबोदर लंबोदर और विद्या के तुम ही हो दाता है ज्ञान भंडार तुम में समाता। प्रेम से जाप प्रभु का है गाता मोह माया से है। समय हो गया है महारानी, आइए देख। विघ्न हरता बुद्धि विधाता जय जय गजानन हे सिद्धिदाता। लंबोदर 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 भगवान गणाधिपति गणेश की जय। मकर मूर्ति देव गणेश सर्वप्रथम ध्यावे तुझे ही हमेशा। पाद पूर्ण मोदक के भोग लगावे मनवांछित फल भक्त तुझसे है पावे। देवी, माँ गौरी के प्रतीक रूप में इस नारियल को वस्त्र और हल्दी कुमकुम लगा के यहाँ आसीन कीजिए। गणेशा
अभी ये मूर्ति पार्थिव मिट्टी से बनी और मिट्टी के समान है, और ये तब तक मिट्टी ही रहेगी जब तक इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। किंतु प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद साक्षात देवता इसमें निवास करते हैं, और तब इसकी सेवा भी वैसे की जाती है जैसे कि किसी जीवित प्राणी की जानी चाहिए। उचित समय पर भोग, स्नान, आरती सभी कार्य करने होते हैं, और ध्यान रहेगा ऐसा ना करने पर दोष लगता है। भगवान की सेवा करना तो परम सौभाग्य की बात है गुरुदेव, अब और प्रतीक्षा करना कठिन है, कृपया शीघ्र ही प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ॐ सिद्धिदाताय नमः। ॐ सिद्धिदाताय नमः। देख रही हैं देवी, अपने जन्मदिन के अवसर पर आपके भांजे के मुख पर कितनी गहरी मुस्कान सजी है। मुस्कुराहट गहरी अवश्य है और साथ ही अर्थपूर्ण भी, और इसका क्या कारण है ये रहस्य तो गणेश स्वयं ही बताएंगे। भगवान की मुस्कुराहट का एक ही रहस्य होता है मामी श्री, भक्तों की प्रसन्नता। वैसे तो देवी विंता और गरुड़ ने अनेक बार मेरी पूजा की है, पर हर बार उनके मन के किसी न किसी कोने में मुझे उदासी छिपी दिख ही जाती थी। परंतु आज पहली बार दास्ता से मुक्त होने के बाद जब उन्होंने मुझे प्रणाम किया तो मुझे उनके भीतर के उल्लास का आभास हुआ मामी श्री। हम सब भी बहुत प्रसन्न हैं कि उन दोनों ने ये पूजा करने का निर्णय लिया है। इससे उनका वातावरण भी सात्विक होगा और उनके नए परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए शक्ति भी मिलेगी। हे गणाधिपति, हम सभी की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई स्वीकार कीजिए। इतने समय से असुरों का शासन होने के कारण ना केवल देवलोक में बल्कि पृथ्वी लोक में भी उदासी छाई हुई थी, पर अब गणपति का जन्मदिन मनाकर सभी स्थानों पर प्रसन्नता छाएगी, शुभ का आगमन होगा और सभी विघ्न बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगे। अभिषेक संपन्न हुआ।
अब इसकी साज सज्जा कीजिए। पुत्र, ये तुम्हारे लिए। ये दुशाला संसार को सदैव स्मरण कराएगा कि किसी का सम्मान उसके पद और आयु से नहीं, उसके गुणों से होता है। अद्भुत बालक परमा प्रेम लुटाती, प्रथम देवता जग में उसे बनाती। हाँ, प्रथम देवता जग। समृद्धि का प्रतीक अपनी मामी का ये उपहार स्वीकार करो गणेश। मेरी ओर से ये पुस्तक स्वीकार कीजिए, समस्त संसार के ज्ञान की स्रोत है। गणाधिपति, मैं सभी देवताओं की ओर से ये फूल और ये मोदक आपको अर्पित करना चाहता हूँ। कृपया इसे स्वीकार कर हमें कृतार्थ करे दे। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय माता जागी पार्वती पिता। ये ध्वनि, ये समाप्त क्यों नहीं होती? गणेश देवा माता जागी पार्वती पिता महादेवा। लंबोदर भगवान गणाधिपति गणेश की जय। ये ले गणेश तेरे प्रिय मोदक। क्या हुआ, थोड़ी देर पहले तो बहुत तीव्र भूख लगी थी। आपके स्नेह का मान तो मैं अवश्य रखूंगा माँ, पर एक माँ पृथ्वी पर भी है जिनके प्रेम का सम्मान करना ही होगा मुझे, क्योंकि वो भी बहुत प्रेम से भोग लगा रही है। गणाधिपति ने आपका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है देवी, अब ये भोग प्रसाद बन चुका है। भक्तवत्सल महागणाधिपति गणेश की जय। भक्तवत्सल महागणाधिपति गणेश की जय। ले। लीजिए गुरुदेव, सबसे पहले प्रसाद आप लीजिए।